रमज़ानों के एक महीने के बाद हमें ईद का जो एक दिन मिलता है, उस प्यारे से उस एक दिन में हम सारी खुशियां और सभी लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि इस पावन मौके पे ईद की सेलिब्रेशन के अंदर बेसिकली सेलिब्रेशन किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, इज बेसिकली अ सेलिब्रेशन बाय बहुत बहुत मुबारक हम सबको, ईद की बहुत बहुत मुबारक। काफी अच्छा पर्व है, काफी अच्छा त्यौहार है, भाईचारा होना चाहिए, प्रेम का संदेश देता है ईद। और मेरी बेस्ट विशेष सबके साथ में है एहसान भाई। हेलो, एंड व्हेन ही विन शी पार्टी हार्ड, से समथिंग। या इट्स ट्रू, सो इन वन वर्ड आई लव यू विराट, आई लव यू एंड आई लव यू एंड अनुष्का, नाउ आई लव यू टू, बट आई लव यू। एक एक करके बोलेंगे, आज आज तीन खुशी एक साथ हुई है एहसान भाई का एहसान भाई का ईद मिलाद, एहसान भाई का ईद मिलाद प्रोग्राम, इंडिया मैच जीत रही है, पार्टी में बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। और ईद की पार्टी में यमी यमी भोजन खाना लाइक मटन चिकन, मुझे बहुत इन्होंने दुआ कर दी है कि इंडिया जीतने वाला है, तो इंडिया जीतेगा मगर भारत हार गया सलमान भाई। भारत हार गया, इंडिया जीतेगा एहसान जी के साथ जश्न मनाने वाले यहाँ पर इंडिया की जीत के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा था, सबसे मिलना हो जाता है, और इस बार भी आए हैं तो एज एवरी ईयर आई एम सो थैंकफुल टू हिम टू बी हियर, और उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज कर रखा है हम सबके लिए। एहसान भाई तो उनकी पार्टी तो हमेशा मतलब पूरे मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में फेमस है, और हमारे काफ़ी प्यारे भाई है, बड़े भाई है, और सबसे तो पहला हैप्पी ईद। एज यू नो वी जस्ट केम अक्रॉस ईद एंड अभी भी दिल में ईद वाली फीलिंग है बिकॉज ऑफ रेहान, एंड रेहान ने हमें ईद से बाहर नहीं आने दिया बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट मैन एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। आई मेट हिम आफ्टर आई थिंक मोर देन अ ईयर, बट आई फेल दैट आई मेट हिम एवरी डे थैंक्स टू हिम। खुद का पैसा खर्चा करके वहाँ जाके 5 दिन रुक के उनकी हेल्प कर रहे थे दोनों, मालूम पड़ा दोनों भाई मिल गए, हम लोग को वापस आना पड़ा। सो इज़ अ वेरी गुड गाय, हम लोग बहुत पुराने दोस्त थे माशाल्लाह, और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम इनको करते रहे। यार इस पर कोई रिएक्शन ही नहीं होना चाहिए, इस पर सिर्फ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ट्विंकल शर्मा, आसिफा, निर्भया ये सब हमारी बहनें हैं, और हथियारों का कोई धर्म नहीं होता, इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, कि इसको टीके से और टोपी से ना जोड़ा जाए, इसको हिंदू मुसलमान से ना जोड़ा जाए, इसमें फास्ट ट्रैक में तुरंत एक्शन लिया जाए और हथियारों को फांसी होनी चाहिए इसमें, नहीं तो ये करते रहेंगे और इस तरह से हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें अनसेफ रहेगी हिंदुस्तान में। तो हमारी नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप इन लोगों को फांसी दीजिए ताकि ये लोग आगे जाके डरे, वरना इस तरह से निर्भया, फिर आसिफा, फिर कोई फिर ट्विंकल, ये होता ही रहेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की गई है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैं आप लोगों से ये मैसेज देना चाहूंगा कि हिंदू मुसलमान से उठकर आप इंसान बन जाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जिस तरह के मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने उनको चुन के बादशाह बनाया है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पहल के बाद नरेंद्र मोदी जी को मुस्लिम्स और रिस्पेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि ये 5% आरक्षण जो दिया है वो अच्छा है, और 2 लाख लोगों को हज पे भेजा जाता है, थोड़ा सा कम है लेकिन शुरुआत तो है, शुरुआत है, और इसके लिए मैं मोदी जी को थैंक यू कहूंगा। इसके अलावा भारत फिल्म रिलीज हुई है, क्या कहना चाहिए? यार मैं उमरा को गया था तो मैं फिल्म नहीं देख पाया,
तो मैं आया हूँ, लेकिन ओपनिंग इतनी अच्छी लगी है, फिल्म चल रही है यानी कि लोगों को पसंद आ रही है, तो अगर इतनी अच्छी ओपनिंग लगी है तो फिल्म में कुछ ना कुछ बात होगी, और जो मैं देखूंगा मुझे कैसी लगेगी वो मैं कल देखने वाला हूँ और देख के बताऊंगा कि कैसी है। प्रोमो तो मुझे अच्छा लगा, और यार बोलते हैं जिसपे अल्लाह का सर पे हाथ होता है उस आदमी को तुम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिल्म देखो सलमान भाई के इतने चाहने वाले इतने फैन है कि उनकी फिल्म से वो सलमान खान को देखने जाते हैं, वो पिक्चर देखने नहीं जाते हैं। यार मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे स्टार दे दूं, पर मैं सलमान खान को 5 स्टार देता हूं। पिक्चर आज हम लोग सब इतनी दूर से टाउन से, जब सबको मालूम है कि जूहू तारा रोड बंद है तभी लोग आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि एहसान रेहान के लिए कितना प्यार है सबको, एहसान रेहान को लोग कितना मानते हैं कि आज उनके ईद मिलन में सब लोग शामिल हो रहे हैं। मैं सबको ईद की दुआएं देना चाहूंगी, मुबारक देना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि जो अमन चैन की भाषा है वो हम समझें, और सिर्फ ईद का जो मतलब है कि ईद का चांद देख के ईद मनाई जाती है, तो एक वो जो एक सद्भावना और प्रेम है वो सब भाईचारे की भावना जो है वो सब सब समुदाय में बनी रहे, और देश के नेता जो लोगों को अलग करना चाह रहे हैं उसमें वो सफल ना हो सके। देखिए जो 2.5 साल की बच्ची के साथ हादसा हुआ है, जिस तरह जिस बर्बरता से उसको मारा गया, जिस तरह से उसको जो सलूक उसके साथ किया, उससे पूरा देश दुखी है, देश ही नहीं पूरा विश्व दुखी है। लोग विश्वास नहीं कर सकते कि इंसान के रूप में ऐसे हैवान इस धरती पे रहते हैं, और मुझे लगता है कि जब उस बच्ची के माँ बाप पुलिस स्टेशन गए FIR करने, उस वक्त पुलिस वालों ने FIR नहीं लिखी, उन्होंने उनको वापस भेज दिया और कहा जाके तुम खुद ढूंढो, वो गलत था। क्योंकि निर्भया के केस के बाद जो नया कानून आया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, उसमें 166A करके एक धारा लाई गई थी कि अगर कोई पुलिस अफसर महिलाओं के बच्चियों के प्रति हुए क्राइम में अगर FIR नहीं लिखता तो उसके ऊपर भी काउंटर FIR किया जा सकता है, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। मैं चाहूंगी वो पुलिस अधिकारी, पुलिस के लोग जिन्होंने FIR नहीं लिखी, अगर वो सही समय पे बच्चे को ढूंढने निकलते तो मुझे लगता है शायद वो बच्ची जिंदा भी मिल सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ 400 गज दूर पे किडनैप करके रखी गई थी। तो उन पुलिस वाले अधिकारियों को डिसमिस किया जाए, कड़ा से कड़े आप सबको मेरी तरफ से और हमारी आने वाली फिल्म बिग बॉस की तरफ से बहुत सारी ईद की शुभकामनाएं। मालिक करे कि आप सब क्लिक करें और साल भर कोई न तकलीफ करे। बहुत बोरिंग फिल्म, बस उनका नाम भारत पाकिस्तान दोनों साथ में रहे। इतनी बोरिंग फिल्म सलमान भाई, मेरे पैसे वापस करो। मैं तो समझता हूँ कि कानून मंत्री को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को और हम सबको मिलकर ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर साबित हो जाता है कि इस बंदे ने ऐसा कुकर्म किया है तो उसे बाकायदा सरेआम चौराहे पे पूरे मीडिया के सामने, पूरी जनता के सामने वो सजा दी जाए वैसा कुकर्म किया उसके जैसा उसने किया है, जो तकलीफ लोग जो बच्ची को दी।